मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, दोनों को चुनाव लड़ना है, दोनों लड़ो, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, खिलाफ लड़ो। बुढ़ाना से मियां बीबी ने पर्चा भरा, चर्चाओं में आ गए, पत्नी बसपा उम्मीदवार है और पति निर्दलीय। अब ये जीत का जतन है या सुर्खियों की सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। बुढ़ाना के घमासान में मियां बीवी मैदान में, कादर की कूटनीति या पॉलिटिक्स पैतरा, बीवी के सामने भर दिया पर्चा, जीत का जतन या सुर्खियों की सियासत। नामांकन प्रक्रिया में आए दिन नए नए नमूने नजर आ रहे हैं, हारने के लिए पर्चा भी भर रहा है, तो कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए, कोई अर्थी पर लेट कर नामांकन के लिए जा रहा है, तो कोई लुटने के लिए विधायक बनना चाहता है। कई रिश्तों की राजनीति हो रही है, तो कहीं रिश्तेदारों के खिलाफ रण में उतर रहे हैं। ये हैं कादर राणा। 2009 में बसपा से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव हार चुके हैं। अब बसपा ने मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से इनकी बीवी सैयदा बेगम को प्रत्याशी बनाया है, वो पर्चा भी भर चुकी है। लेकिन कादिर को क्या सूझी, बुढ़ाना से ही निर्दलीय पर्चा भर दिया, लेकिन क्यों, इसका कोई साफ जवाब नहीं दिया और लोगों के सामने पॉलिटिकल पहेली छोड़ दी। नामांकन क्या, क्योंकि आपकी पत्नी प्रत्याशी है, जी जी, जरूरत पड़ी, उनके विरोध में चुनाव लड़ेंगे। ये तो आप जो बेहतर समझोगे, बेहतर तो आप बताएंगे ना, जो आपने, क्योंकि विकल्प तो आपने सुना ना, आप ही बता दो, जो कुछ कहना है आप ही कहते रहोगे, मैं तो सीधा जवाब देता रहूंगा। पहला ऐसा चुनाव है कि जो अपनी पत्नी के सामने खड़े हैं चुनाव में, ये भी तो ये भी तो बहुत अच्छी बात है। हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए, इंशाल्लाह जिताने के लिए, इंशाल्लाह जीत के आएंगे, इंशाल्लाह दुआ करियो, वापस लेंगे, ये तो टाइम बताएगा। उद्देश्य जो भी हो, लेकिन मियां बीवी जरूर आमने सामने हैं। कहने वाले तो कह रहे हैं कि कादिर राणा बाद में नामांकन वापस ले लेंगे, ये नामांकन सेफ जोन के लिए किया है, अगर कहीं बीवी सैयदा बेगम के नामांकन में कुछ दिक्कत हो तो ऑप्शन बचा रहे। लेकिन जो भी हो, इस नामांकन से पब्लिसिटी जरूर मिल गई। मुजफ्फरनगर से समाचार प्लस के लिए प्रवेश कुमार की रिपोर्ट।